हाथरस कांड के पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली से काफिले के साथ निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को यूपी पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पर गिरफ्तार कर लिया। राहुल ने पुलिस की इस कार्रवाई पर जोरदार विरोध किया और पूछा कि कानून की किस धारा के तहत हिरासत में लिया जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी की पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प भी हो गई। राहुल ने कहा कि पुलिस ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। पुलिस के साथ नोकझोंक के बाद राहुल आक्रोशित हो गए और उन्होंने मीडिया के सामने पुलिस पर कई सवाल दाग दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों से अकेले जाने देने की अपील की, लेकिन पुलिस ने उनका यह आग्रह भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि अकेले आदमी पर धारा 144 तो लागू नहीं होती है। राहुल ने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। राहुल ने कहा, देखो पुलिस ने कैसे मुझे धक्का दिया, मुझ पर लाठीचार्ज किया और जमीन पर गिरा दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में सिर्फ मोदी जी ही घूम सकते हैं? क्या आम आदमी कहीं आ जा नहीं सकता? उन्होंने आगे कहा कि हमारी गाड़ी रोक दी गई, इसलिए वह सब पैदल चलने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बॉन्ड न्यूज, न्यू दिल्ली।